अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। दावत स्पेशल रेसिपी है ये, शाही मटर पनीर पुलाव। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामान चाहिए उसको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूँगी। मेरे पास ये छोटी सी क्लिप बनी हुई थी, इसीलिए मैं बोल के नहीं बता सकूँगी, तो प्लीज़ या नीचे पिन कमेंट में मैं लिख दूँगी इंशाल्लाह। पिन कमेंट यानी जो सबसे पहला कमेंट रहता है उसमें। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे और उसमें देसी घी डालेंगे। घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम उसमें बादाम और काजू को डालेंगे और उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, अच्छा सुनहरा भूरा होने तक। लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे। अब हम उसी घी में पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे और चारों तरफ से इन्हें सेकेंगे। बिल्कुल हल्का सेकना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें, उससे एक अच्छी खुशबू आएगी। इसी तरह से फ्राई करें। पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लें और अलग रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल डालें और तेल को अच्छी तरह से गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें एक चुटकी हींग डाल दें और साबुत मसाले डाल दें और हल्का सा उसको रोस्ट करें। फिर कटी हुई प्याज डाल दें। और इसे लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक फ्राई करें। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, उसको भून लेंगे थोड़ा सा। फिर हम हरी मटर डालेंगे और इसको 2 मिनट तक हाई हीट पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। मटर हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, अच्छी तरह मिलाएंगे। अब नमक डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चिकन स्टॉक क्यूब डाल देंगे और मिलाएंगे। पुलाव मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने 750 ग्राम चावल लिए हैं तो हम इसमें 1.6 लीटर पानी डालेंगे। एक बार चला दें और फिर इसमें उबाल आने दें। जब उबाल आ जाए तो फिर इसको ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 7 मिनट के लिए पकाएं। 7 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और इसमें डालेंगे लेमन जूस और भीगे हुए चावल, अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें उबाल आने देंगे। अब हम इसमें बचा हुआ घी डाल देंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था। अब इसे लगातार चलाते हुए हम 4 मिनट या पानी सूखने तक पकाएंगे। बहुत आराम से चलाएं, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे। पानी हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और पनीर के टुकड़े डाल देंगे। हल्का सा चला देंगे।
अब हम इसमें केवड़े में मिला हुआ फूड कलर भी डाल देंगे और अल्मोनियम फॉइल और ढक्कन के साथ ढक देंगे और हल्की आंच पर 12 मिनट के लिए दम करेंगे। 12 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम फॉइल हटाएंगे। लीजिए, हमारा शाही पनीर पुलाव एकदम तैयार। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। पुलाव हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे तली हुई प्याज से गार्निश करेंगे। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा पुलाव एकदम तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें रायते और सलाद के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।